ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन इज एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड कैरीज ए करंट ऑफ 100 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो इट ऑन द ग्राउंड। मैग्नेटिक फील्ड बताना है, जो ओवरहेड पावर लाइन है उसके नीचे ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है और डिस्टेंस रखी है 4 मीटर, मतलब हाइट वायर की। सो सपोज ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर, तो नॉर्थ आपकी तरफ को और साउथ बैकवर्ड डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो ईस्ट से वेस्ट की तरफ को करंट फ्लो करिए, ईस्ट से वेस्ट ये डायरेक्शन है करंट की, और वायर ग्राउंड से कुछ हाइट पर है तो यहां पर है नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड, यहां पर पॉइंट है, तो करंट इधर और पॉइंट नीचे की तरफ को, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ को होगा। या आप स्क्रू रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल, करंट इधर पॉइंट नीचे, तो करंट से पॉइंट की तरफ को स्क्रू रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन जैसे मैं देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, आपको दिखाई दे रही होगी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन हो जाएगी मेरी तरफ को ये, या फिर डायग्राम बना के समझेंगे। और ये मेरी तरफ को डायरेक्शन कौन सी है, साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो डायरेक्शन होगी साउथ। मैग्नीट्यूड चेक करना है पहले, डायरेक्शन एक बार हो डायग्राम में कैसे समझेंगे, सपोज ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इनसाइड तो साउथ आउटसाइड, सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सो नॉर्थ है इनसाइड और साउथ है आउटसाइड ये। अब इस वायर से जो ये करंट है इसमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ करंट फ्लो कर रही है आई, इससे वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पर एक पॉइंट है 4 मीटर डाउनवर्ड, यहां पर पॉइंट है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना, तो राइट हैंड थंब रूल, करंट इधर पॉइंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डायरेक्शन, और वो कौन सी है साउथ, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, तो डायरेक्शन साउथ, या तो ये ऑप्शन करेक्ट है या ये। अब मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, म्यू नॉट अपॉन 4π होता 10⁻⁷, तो 7 इंटू करंट 100 एम्पियर, और r जो डिस्टेंस है वो है 4, सो ये 2/4 1/2 और 10 की पावर ये 2 है और ये -7, सो -5, सो 0.5 × 10⁻⁵ टेस्ला यूनिट। सो साउथ डायरेक्शन, तो ये तो गलत हो गया, तो ये सही है, 0.5 को लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁵, तो -6 हो जाएगी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन।